लॉकडाउन के इतने दिन बीत जाने के बावजूद भी प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी है। फैजाबाद से साइकिल पर सवार होकर 14 मजदूर बिहार जा रहे थे, जिन्हें पलवल पुलिस ने रोककर वापस फैजाबाद भेज दिया। कोरोना महामारी का संक्रमण न फैल सके, इसके लिए देश भर में लॉकडाउन करने का फैसला लिया गया है। लेकिन इस लॉकडाउन का सबसे ज्यादा प्रभाव उन लोगों पर पड़ा जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। ऐसे लोगों को भी दिक्कत ना हो, इसके लिए राज्य सरकारों की ओर से रहने खाने की व्यवस्था भी की गई है। लेकिन अब अपने से मिलने की चाह में ये लोग जैसे तैसे अपने घरों में पहुंचना चाहते हैं। पलवल में पुलिस ने 14 ऐसे मजदूरों को पकड़ा जो फरीदाबाद से साइकिल पर सवार होकर बिहार जाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने इन्हें पकड़ कर ट्रक में बिठाया और वापस फरीदाबाद भेज दिया। मैं ड्यूटी पे नाकाबंदी आगरा चौक मौजूद था कि कुछ 14 आदमी बाइकों पे जो कि कह रहे थे कि हम फरीदाबाद से और अपने घर के लिए जा रहे, तो हमने जो आदेश अनुसार प्रशासन के हमारे श्रीमान एसपी साहब ने कहा कि जहाँ जहाँ से आए लॉकडाउन का आदेश पालना करते हुए वापिस हमने वहाँ जहाँ से आए थे बैठा दिए, वापिस चले गए। पुलिस की ओर से सख्त हिदायत दी गई है कि यदि भविष्य में भी ये लोग ऐसे ही नियमों की उल्लंघना करते हुए पाए जाते हैं तो इनके खिलाफ धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। पालन होगा, नहीं मानेंगे तो उनके खिलाफ 188 कार्रवाई की जाएगी और क्वारंटाइन कराया जाएगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये प्रवासी मजदूर फैजाबाद से पलवल तक पुलिस की आंखों में धूल झोंककर कैसे पहुंचे, जो कि पुलिस की बड़ी लापरवाही को दर्शाता है।